हम जो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड प्रयोग करते हैं वो तरल, दानेदार और पाउडर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन अक्सर माप होता है ना, जो क्वांटिटी नापने के लिए जो छोटे बड़े प्लास्टिक के माप मिलते हैं उसमें मिलीलीटर लिखा होता है, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 50, 100, तो वो सिर्फ लिक्विड तरल दवा मापने के लिए होते हैं। मैं अपनी PR 114 की फसल में स्प्रे कर रहा था तो 100 मिलीलीटर वाले माप में 50 ग्राम ही नेटिवो दानेदार आई, और इंडोफिल कंपनी की डाइनोटिफ्यूरॉन तेले के लिए कंट्रोल के लिए वो 60 ग्राम ही आई 100 ml वाले माप में, आप देख रहे हो। कई बारी छोटी छोटी बातें भी हमारी पैदावार में, बीमारी, कीट कंट्रोल में ज़्यादा फ़र्क डाल देती हैं। आज की मेरी वीडियो ऐसे ही प्रैक्टिकल, टेक्निकल और साइंटिफिक छोटी छोटी बातों पर है, जिससे आपको आनंद भी आएगा और बहुत कुछ फ़ायदा भी होगा। इसी तरह की 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ 0-52-34 NPK बोरोन या फिर NPK 0-50 को गाभे के बाद बालियां निकलने पर स्प्रे करना चाहते हैं, तो ये समय इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड स्प्रे करने का भी होता है। तो कब 0-52-34 बोरोन करें और कब 0-50 करें, इनको इसके साथ दवाइयों के साथ मिलाएं या ना मिलाएं। अच्छा, अब NPK 0-52-34 होता है ना, इसके अंदर फास्फोरस होता है, पोटाश भी होता है, लेकिन फास्फोरस का काम जो है ना, बालियों में दानों की संख्या बढ़ाने, उसके वैरायटी के करेक्टर की प्योरिटी मेंटेन रखने में काम आता है। तो फास्फोरस को तो गाभे के समय करना चाहिए, या बल्कि गाभा शुरू होने पर ही कर देना चाहिए। बालियां निकलने के बाद 0-52-34 फास्फोरस को ना करो, और बोरोन को भी पहले करना होता है, इसका काम फल फूल परागण में होता है, ये भी गाभे के समय करना चाहिए बोरोन, और बालियां निकलने के बाद बोरोन ना करो, और बोरोन आपने करना है तो 100 ग्राम प्रति एकड़ से ज़्यादा ना करो, ठीक है जी। बालियां निकलने के बाद NPK 0-50 का प्रयोग करें, क्योंकि पोटाश ना एक ट्रांसपोर्टर का काम होता है, पत्तों में बने भोजन कार्बोहाइड्रेट्स को दानों में ट्रांसफ़र करने में तेज़ी लाता है, बालियों में दाने मोटे और सुंदर चमकदार होते हैं। अब दवाइयों के साथ NPK मिलाकर स्प्रे करने से दवाइयों का असर कम होता है, ये बात सबको पता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर कभी कभी पत्तों की नोक लाल भी हो जाती है, बर्निंग आ जाती है। ये जो आप देख रहे हो, मैं PR 114 में स्प्रे कर रहा हूँ और इसके साथ 0-50 मिला रहा हूँ, और आपको पता है कि स्प्रे जो है ना, करना आसान नहीं होता, बार बार करना ठीक नहीं है। तो इसका इलाज अब ये आ गया है कि NPK 0-52-34 ये HD में आया है, 200 ग्राम की इसकी डोज है, हाई डेंसिटी फॉर्म में होता है, मार्केट में उपलब्ध है। और अगर आपने फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ मिला कर स्प्रे करें तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं इस HD वाले के, बर्निंग नहीं आती। मैं भी मिलाकर प्रयोग कर रहा हूँ, घोल को अलग अलग बनाएं। अब PR 114 है तो साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के है ना 3 पुड़िया, इसके अंदर ध्यान देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना 90% है, मार्केट में और जो आ रहे हैं उनके अंदर परसेंटेज कम है, तो ये जो है ना 18 ग्राम करनी है, क्योंकि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की ना 10 पैथोटाइप में से 5 को ससेप्टिबल है, 5 को रेजिस्टेंट है PR 14। अब ये चौथी प्रैक्टिकल बात, अब बालियां निकल रही हैं तो सुबह के समय आपने स्प्रे नहीं करना है, बूर झड़ रहा है, मतलब कि नर मादा का मिलन होकर नर भाग जो है ना वो बाहर निकल रहा है। सुबह सुबह खेत में जाकर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो दानों के छिलके का मुंह खुला मिलेगा, ये सुबह 10-11 बजे तक खुला रह सकता है। सुबह नर मादा का मिलन होता है, फिर मादा जो ओवरी होती है ना वो फूलती है, दूध भरता है, दाना बनता है। तो बालियाँ निकल रही हों तो सुबह 10-11 बजे के बाद ही स्प्रे करो, खेत में घुसो, नहीं तो जिस खुले मुँह में दवाई गई ना वह दाना नहीं बनेगा, पोटाश बनेगी, काला हो जाएगा। देखा होगा अगर सुबह सुबह बारिशें ज़्यादा आ जाएँ इस समय बालियाँ निकलते समय, तो दाने काले काले हो जाते हैं, तो हमने स्प्रे जो है, और थोड़ी नोजल थोड़ा ऊपर करके भी रखें डायरेक्ट। एक और ज़रूरी फ़ायदे की बात, जिन भाइयों ने तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी को कंट्रोल कर लिया है और उसके बाद स्प्रे का नंबर आ गया है और खेत में तितलियाँ दिख रही हैं, अब देखो तितलियों से सुंडी ना बने, तो इन तितलियों को कंट्रोल करने के लिए जो भी आप दवा कर रहे हो उसके साथ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड मिला लो। तितली का देखो साइज़ बड़ा होता है और दवा कॉन्टैक्ट में आने से वो मर जाएगी, तो इसमें आप लैम्डा भी कर सकते हो, 4.9% वाली 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ मिला सकते हो, डेल्टा मैथ्रिन भी मिला सकते हो। और अगर पत्ता लपेट सुंडी, तना छेदक गोब की सुंडी अभी तक खेतों में दिख रही है तो आपने सिस्टेमिक दवाई डालनी है, पौधे के सिस्टम में पत्ते तने को जहरीला करेगी, सुंडी खाएगी तो मरेगी। वैसे आजकल मुश्किल से कंट्रोल हो रही है,
अच्छी से अच्छी दवा डालो। दो एक दवाई मैं बता भी देता हूँ, बायर की नई दवाई आई है वाइगो, 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ की इसकी डोज है। अच्छा, आप दवाई जो है ना कोराजन भी डाल सकते हो, 60 की जगह 75 ml प्रति एकड़ डालो। फेम डाल सकते हो, ये 35 ml प्रति एकड़ डालो, तभी मरेगी। अच्छी दवाई करनी पड़ेगी। स्प्रे में पानी की मात्रा 160 लीटर प्रति एकड़ से कम नहीं, मैं तो 180-190 लीटर प्रयोग कर रहा हूँ। फसल को तर बतर कर दो। अब तेले की दवा भी आप डाल रहे होगे तो पानी पूरा डालो नीचे तक, तेला तो नीचे ही होता है। तो आखिर में बालियां निकलने से पहले ही खेत में सिंचाई का पानी ज़्यादा कर दो। खड़ा नहीं रखना है, गीला सूखा रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना दो, नहीं तो बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी। जल्दी जल्दी देना है पानी। जब आधे दाने बालियों में भर जाएं तो पानी कम कर दो। कटाई से 10-12 दिन पहले पानी को बंद ही कर दो। मेरा ये प्रयास, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।